कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसके दिल में दर्द हो जितना वो उतना ही मीठा गाता है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक भाई हिरेश सिन्हा जी दर्द भरे गीत जेकर आवाज़ ल सुन के आँखी ले आंसू बरस जाते, जेकर आवाज़ में अलग ही मिठास है, जेकर गीत व्यक्ति ला अपन ओर खींच लेते। मीठा आवाज़ के धनी भाई हिरेश सिन्हा जी आप मन के हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री राम। तो संगवारी हो आज हमारे साथ है हिरेश सिन्हा जी। बहुत सारा ऐसे सॉन्ग आप मन सुन चुके हो, देख चुके हो, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे थे। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग आए, हर गाना सुपर डुपर हिट है। तो आज भैया से हम भेंट वार्ता करबन, साथ ही गीत संगीत के सफ़र के बारे में आप मतलब बताबन, भैया कहाँ रहे थे और गीत संगीत के सफ़र कैसे शुरुआत करी, इसका है फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे आप मतलब ये इंटरव्यू के जरिए से या फिर यूँ कहेंगे छोटे से वार्ता से आप मतलब बहुत कुछ जानकारी मिली, काबर बहुत सारा सॉन्ग आ चुके। भैया जी आप मन से हम ये जानना चाहबन कि आप मन के जो गाना तो हम यूट्यूब के जरिए से सुन रहे हैं, लेकिन भैया जी आपसे हम ये जानना चाहबन आप मन कहाँ के रहने वाला। सबसे पहले तो सिया राम में सब जग जानी कर हूँ प्रणाम जोरी जुगपानी आप सब सादर प्रणाम। ये चैनल मैं दुलार दबिया जितिक जनता जनार्दन आप सब सादर प्रणाम है। मोर नाम हिरेश सिन्हा है और मोर गांव के नाम है ग्राम सिरसिदा, थाना पोस्ट तहसील चारमा है, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। तो बहुत बढ़िया भैया कि आप अपन गांव के बारे में तो जी जानकारी दे। भैया जी आपसे हम जानना चाहबन कि आप मन के शिक्षा दीक्षा कहाँ तक की। पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हो पाई, आठवीं बस पढ़े हूँ और परिस्थिति ऐसी इसकी आगे हो नहीं पाई। तो ऐसे तो भैया जी आपसे हम जानना चाहबन कि आप मैंने गीत संगीत की जो सफल है कैसे शुरुआत करें, कैसे टाइप शुरुआत करें और आज हिरेश सिन्हा इतना बड़ा मुकाम कैसे पहुँच। मुकाम तो ऐसे बातें नहीं है, जो भी है भगवान कृपा और जो कुछ है जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता के आशीर्वाद जिन मिल वो बड़ा धन्य है, हमें धन्य के पात्र समझता हूँ अपना अपना। और बात ये है कि जनता जनार्दन के उपकार ला ये जन्म में तो का सात जन्म में हजार जन्म लेके बावजूद भी अरे बाप रे वो कर्जा नहीं चुका पाऊँ जनता जनार्दन का अपार मैं तुला रहे। मोर वैसे जन्मभूमि गांव ये नो है, मोर जन्मभूमि गांव मोखा है, गुरुर के पास है, जिला बालोद पड़ते हो। मैं छोटे से रहूँ तब से ये सिरसिदा में आई माँ बाबू जी मन और दूसरे जगह रात रहे नमन किराए में तो कोठारी से वही रात रहे। तो बचपन से वही चली से तकलीफ तो बहुत ऐसे और मैं तो कहूँ कि तकलीफ केवल मुँह ही चलती हुए तकलीफ तो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति ले होते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति से व्यक्ति ले सीख लेना चाहिए। एक आदमी रेंगत रही से हपट के पथरा में पथरा कहे भैया देख के रेंग मैं नान चुक हूँ माड़ी बच छोले से और मैं बड़े रहते तो माथा फूटती से मर जाते हैं। तो कहीं भाव ये है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए। उसने जीवन में मर हुई से पढ़ाई लाइफ करे रहे हो तो कोई मन पसंद नहीं करे, जो भी बात रहे जैसे वो करमन में रही तो हंसे थोड़ा से ये देख के हंसे कोकड़ा जैसे गला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुन रहा हूँ कि जेला हंसा तो वही मोर जिंदगी बनाऊँ। हाँ वही मोर जिंदगी बनी, आज यही मोर जिंदगी बन गई। जेला मोर कमजोरी समझेगी वही मैं हथियार बना। वैसे शुरू से रामायण हो तो गांव में छोटे राम छोटे छोटे राम था मतलब जाने के लिए खोलते तब के बाद है तो जान तो अब हमारे गांव में इस बड़े दिन बजिया है तो मौका नहीं दे दिन लाइन बोलो लाइट चले गई तो कौन गई कौन नहीं तो फिर मैं गहूँ बोले हूँ और दुखिया भाई हमारे गाँव जिक्र गीत ला बहुत पसंद करते मैं आज भी मगर गीत ले गया हूँ जतन करो भैया के संगी तो सब सकला गए कौन गाते कोई कौन गाते ऐसे कि आवाज़ में मीठा आवाज़ का कर वो जो भी रहे मीठा तो नहीं जो भी कर्मन रही कौन गाते ना आवाज़ अभी मन सोची ना है ना। हाँ बुकर्मन के बात रही जैसे भी सही तो सकला गए। एक पहले मैं हम बांसुरी ले रहे हूँ बांसुरी बजाऊँ कहीं के
दो महीने फूको बाज भी नहीं करे भगवान कर रख दे हो भगवान मुझसे नहीं बाज सके मतलब मैं उकर लेके नहीं हूँ कहीं के मतलब मुझे कलच नहीं हूँ बजाए के तो बाजी कहाँ से पहला बात ढोलक ले हो बजाओ तो सही बाजे सही लेकिन कहाँ बाजे पता नहीं तो बहुत नहीं उस तो वही दिन मैं जाने हो कि भगवान मतलब कहीं कहीं गाना है ये लाइन मतलब हाँ हाँ ऐसे तो व्यक्ति के अंतर अंतर आत्मा कथे कि मैं ये बूतल कर डालू तो बिल्कुल बोला वोकर ध्यान रखे तो बूतल कर ही डालते ऐसे मेरे बड़े बाबू जी से जो बोले बहुत सहयोग करे पतिराम संघे जी आज नहीं हुआ दुनिया में वो हमेशा कहा है कि बेटा पैसा सबको कमाते नाम कमाए बैसे जब कोनो अस्पताल में भर्ती रहते थे आदमी ही कहते कि भैया दुआ करो बड़ा अच्छा आदमी रही जगह तो नाम कमाया ना सीखे तो तब से का में नाम कमाऊंगा ऐसे बोल के चलत चलत हो गई बहुत मोर गुरुदेव जी जिला एक घटना घटी इसकी मुर्तबियत बहुत खराब रही से मुर्तबियत बहुत खराब रही से 20-25 बाटल चढ़ गई से बचने चला नहीं रहे तो हॉस्पिटल में मनहरी ठहराल नहीं आते हॉस्पिटल बोले ठहरा चला जात रही से माँ के गीत रही से मोहम्मद जी साहब के माँ ही मंदिर माँ ही पूजा एक गीत है जितेंद्र हीरो है जयप्रदा हीरोइन में वो गीत सुने प्राण आ गए वो आवाज़ मतलब जिंदगी दे दी मोहम्मद जी दादा का आवाज़ वही वो एक गीत मुझे जिंदगी दे दी और वही सही गाना गाया शुरुआत करो पहले जो रीस तो रीस है लेकिन ये नहीं कहते मेन चीज टर्निंग पॉइंट हाँ जहाँ से व्यक्ति शुरुआत करते तो भैया जी आप समझाना चाहबन कि आपन तो गीत संगीत लग रहा था रामायण के जरिए से करे है तो आप समझाना चाहबन कि फर्स्ट एल्बम कैसे आपने रिकॉर्डिंग करा है कौन सा रही से पहले एल्बम और रही से वो भी बहुत मुश्किल से हुई से बहुत सिंगर के रही ने हमें वो गीत गाए तो मौका मिली सुना तो वहाँ सेलेक्ट हो रहे हो राजेंद्र स्टूडियो में रायपुर में तो कौन सा गाना रही से वो मोर गीत रही से एम रिगने मोर और दूसरा गीत गोंदा फूल गेरा बारे में तो पहला एल्बम जब रिकॉर्डिंग कराया बताया था अपन शुरू बताया कि आपने मीडियम फैमिली से बिलोंग करते तो समय एल्बम के लिए आपके पास कहाँ से पूंजी पैसा वैसा वो का है कमान का काम होता हम जान उनके बाद माँ सहयोग करी अरे बाप जब रायपुर गए ना तो माँ खिलवा बेची रही से जहाँ बेटा तो संग पूरा कर माँ का बहुत योगदान है और यहाँ तक पहुँचे में अब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं हाथ रहते जैसे सागर लोग कहते कि भैया तो कथकन पानी है बड़ा किस्मत वाला बहुत खुश है तो सागर कहे कि नहीं भैया मोर का पानी है तो उधारी नदिया के है उधारी दरिया के है पहाड़ पर्वत के है वो भी लग जाए तो सबको उधारी है सबको सहयोग जीवन में जतका मूल दिन है और कांधे पर रखा गया हाथ सफलता के समय बजते हुए तालियों से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है ऐसे कि सबको मदद करना चाहिए तो भैया जी आप के जब गाना रिकॉर्डिंग हो चो समय तो आसपास में कैसे माहौल रही से कि कौन लड़का ऐसे से आप उनके प्रति कैसे रिएक्शन रही से गाँव पर आसपास में आपके जिला में रामायण कार्यक्रम पहले तो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करते रहे हूँ फिर उसके बाद मानस में आए मैं रामायण से तो रामायण में गाड़ा गाड़ा जोहार जनता जनार्जन की कृपा से सुपर डुपर हिट हाँ हाँ वहाँ से शुरुआत हुई और खुशी तो लगभग करी गाँव की बात है जैसे एक व्यक्ति गांव से निकलते हैं तो गांव के नाम होते ब्लॉक से निकलते हैं तो ब्लॉक के नाम होते ब्लॉक से जैसे निकलते तो जिला के नाम होता जिला जैसे जिला के बाद छत्तीसगढ़ अब छत्तीसगढ़ से बाहर चल दें कहाँ से आएगा तो छत्तीसगढ़ से आए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ये बात रहते माता पिता परिवार समाज अपन क्षेत्र अंचल के नाम रोशन होते हैं तो भैया जी अपन के कौन सा एल्बम रही वो कौन सा गाना रही पूरा छत्तीसगढ़ में धूम मचाई आस पास में अपन के नाम इतना उजागर करी गाड़ा गाड़ा जोहार आप तो सुने नहीं सुने सुने हाँ वही गीत है गाड़ा गाड़ा जोहार ओकर बाद माँ वाला गीत है लगे राम दरबार तो भूल लागत है खाली खाली जिंदगी की नहीं है ठिकाना मुरछोला छटपटा थे गाँव और युद्ध का सलागत है छत्तीसगढ़ की तोर सुरता थे मलतोर संग मया है मलतोर संग मया है हीरा ला पखरा जानो पखरा ला हीरा रे तिही से तिमुर जिंदगी माँ समागे पीरा रे
मुर्यर्थीला सजावे रे तया सुझिन बोहावे, मुर्यर्थीला सजावे रे तया सुझिन बोहावे, ते मोला नहीं तो पावे फिर पाछू पछतावे। भैया जी आपने ये पहली जो गाना रही से गाड़ा गाड़ा जो हरो गाना में बता दें गा वा के थोड़ा सुना। मंची सजाए है तो रघु रामा कब आवे रघुराई मोर, नर नारी सब शरण पड़े है अजिना हवे सुखदाई तो। फर्स्ट एल्बम के मतलब एक गाना है। हाँ वो तो लाइव प्रोग्राम जैसे लाइव रिकॉर्डिंग है कार्य। भैया आपन बचपन के बचपन में कौन सिंगर के फैन रहे आपन? बचपन तो जब हो समरिस तो दुखिया भाई मरका में रेडियो मन में सुनो वो बहुत अच्छा लगे होगा कर आवाज मतलब आज भी लगते। और जो मूल परिवर्तन करी से हमें मोहम्मद अजीज दादाजी के आवाज़ है बस जर आवाज अपन और खींच लेते रोए पर मजबूर कर लेते बहुत सुंदर आवाज है। वो भी वो गाना बेवफाई गाना इसे ना गीत थोड़ा सुना के तोरे हाथ माँ मेहंदी रचा के चले वो, तोरे हाथ माँ मेहंदी रचा के चले वो, मोर दिल के लहूला रंगा के चले वो, तोरे हाथ माँ मेहंदी रचा के चले वो, मोर दिल के लहूला रंगा के चले वो, मांगे मतुर जब सिंदूर लगाए तोर मोर बीच मां दीवार बनाए, आज पहिरते साध के चुनरी जीते जियत मोला कफन ओढ़ाए, कफन ओढ़ाए सब क्रिया कसमला भूला के चले वो, सब क्रिया कसमला भूला के चले वो, मोर दिल के लहूला रंगा के चले वो, तोरे हाथ माँ। ये गीत है भैया जी एक भी तरसत थे थोड़ा देखे बिना। खाए रहे क्रिया ते गोरी मोर संग जिंदगी पहो, नहीं छोड़ा तोर संग लबहि मोर नहीं मैं तोला भूला हूँ, फिर काबल मोर संगला छोड़े क्रिया भूला के तय हो, कैसे रहत होवे मोर पगली मोला रुला के तय हो, मोला रुला के तय हो। भैया जी जैसे आपने शुरू बताया कि आपन एक मीडियम फैमिली के मतलब उभरे मीडियम फैमिली से, तो भैया जी वो समय जब आपन बचपन में रहे तो कोई यादगार पल जिला आपन शेयर करत हो ये का होगी मोशन ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसी टाइम में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते क्या? ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम पहले जाते रहे मैं तो फिर गए रहे यही तरफ से प्रोग्राम, फिर वहाँ गाँव में बोले किस किस दो चार दिन शराब पी के तो बोले कि लड़की में आधा आधा कपड़ा पहना के नचवाओ, तो बहुत दुख लगी से मतलब लोगन का अतका घटिया मानसिकता एक कलाकार के प्रति तब सोच जाते। हाँ तब से वो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में छोड़े हुए मानस लाइन में। तो भैया जी जैसे आपन शुरू में बताया कि आप मन तो एक रामचरित मानस से शुरुआत करे हो, आप मन के रामचरित मानस से और भक्ति गाना के बहुत ज़्यादा वायरल होते वो गाना हमला सुना के बता रही थी। लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी, कोनो फुलवा थारे ले आवे कौनो धूप अगर जलावे, लगे राम दरबार है भाई जिंदगी सुघल बना लो ना, गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है, आओ दीदी
आवो भैया राम से लगन लगा लो ना, गांव अयोध्या कस लागा थे। ये गीत बहुत बढ़िया भैया, गीत में बहुत अच्छा लगते राम भगवान के प्रति गीत। भैया जी ये तो रही से आप उनके जो रिलीज हो चुके गाना जिन बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए शहर की जुबान में गाना मन वायरल सुना कि भैया अभी जो आप उनके टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम ग्रीन में या फिर यूट्यूब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ थे मैं का करा, ये गाना के बारे में बताने कैसे बनाए कब के गाना थोड़ा गुनगुना भी बता देते। अब वो गीत 30 साल के रिकॉर्डिंग वो है चंदन म्यूजिक में आए और जयंता जनार्दन के अतका प्रेम भाई वही बताया ना, जयंता जनार्दन के कर्जा तो अतका है कि 1000 जन्म लेके बावजूद भी ओकर कर्जा छूटे नहीं जा सके, बहुत रेडी हूँ जीवन भर के लिए। और प्रार्थना है ऐसे नहीं मैं दुलार हमेशा बनाए रखूँ। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिन कछु सुहावे नहीं, मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिन कछु सुहावे नहीं, मैं का करूं तोर बिन नींद नहीं आवे साजन मैं का करूं। ये गीत है तो भैया जी एक अंतर बहुत ज़्यादा वायरल होती इंस्टाग्राम रील में तैमूर शायरी, मैं तोर शायर तैमूर शायरी, मैं तोर धड़कन ते जिंदगी, मैं तोर दीवाना ते दीवानगी, मैं तोर आस गोरी ते आस की, मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे साजन मैं का करूं।